बूंदी जिले की हिंडोली थाना पुलिस और जिला विशेष टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन पर क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम और कथित चोरी नकबजनी की वारदातों के खुलासे के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के निर्देशन में हिंडोली वृत्ताधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई के सुपरविजन में गुरुवार रात को NH 52 पर नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान जिला विशेष टीम के प्रभारी शिवराज सिंह की सूचना पर बूंदी की ओर से आ रही दो मोटरसाइकिल HF डिलक्स और पैशन प्रो, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे, रुकवाई गई, जिनके पास पूछताछ के दौरान कागज नहीं मिले। संदिग्ध प्रतीक होने पर जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने दोनों मोटरसाइकिल चोरी की होना बताया, जिस पर उन्होंने गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बूंदी के विभिन्न स्थानों से चुराई गई कुल 16 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों से और अधिक चोरी की घटनाओं की जानकारी मिलने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि चोरी के मामले में बूंदी निवासी 24 वर्षीय कपिल आत्मज मदन लाल मीणा, पाटन के निवासी 22 वर्षीय रघुवीर आत्मज, मुकुट विहार नगर बूंदी निवासी 38 वर्षीय संतोष कुमार आत्मज, संबुदयाल मीणा और 22 वर्षीय राकेश आत्मज धनराज धोबी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम विभिन्न प्रकार के नशे के आदि हैं, जिनके लिए पैसों की आवश्यकता होने पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में किसी सरकारी कार्यालय के बाहर या शादी समारोह के दौरान मास्टर चाबी की सहायता से वाहन चुरा लेते थे, जिसके बाद उनकी ओरिजिनल नंबर प्लेट छुपाकर उपयोग में लेते थे अथवा हुलिया बदलकर बेच देते थे। इस कार्रवाई में जिला विशेष टीम के सहायक उच्च निरीक्षक शिवराज सिंह, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, कांस्टेबल पप्पू लाल चौधराज, धर्मराज नेत, राम मुकेश, राजू गोपाल एवं चालक सूर्य प्रकाश शामिल रहे। वहीं हिंडोली थाना पुलिस से हिंडोली थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा, उच्च निरीक्षक सूरजमल, कांस्टेबल ओम प्रकाश, मोहन लाल, गजानंद गोपाल आदि शामिल रहे। जी आज जो चोरों का जो खुलासा क्या है सर, इसका क्या खुलासा? श्रीमान SP साहब के निर्देश अनुसार पूरे जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातों खुलासे के लिए जिला पुलिस और जिला पुलिस की जिला विशेष टीम DST टीम के श्री शिवराज जी SI के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया था, जो पिछले 5 वर्षों में जो भी चोरी नकबजनी में चालानशुदा अपराधी है उनका रिकॉर्ड संभालना, उन पर निगरान रखने का कार्य कर रहे थे। इसी के अंतर्गत कल दोपहर में लगभग DST के प्रभारी श्री शिवराज जी ने सूचना दी कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार 4 युवक हैं जो हिंडोली की तरफ आ रहे हैं, NH 52 पर बूंदी से हिंडोली की तरफ, जिस पर नाकाबंदी करवाई गई। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल वालों पर सवार चारों युवकों को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल के किसी प्रकार के दोनों मोटरसाइकिलों के कोई कागजात बरामद नहीं हुए, जिनके संदर्भ में राजकोप एप से इंजन नंबर 33 नंबर के जरिए कंप्लीट जानकारी प्राप्त की, तो वो दोनों मोटरसाइकिल चोरी का होना ज्ञात हुआ, जिस पर इनसे जनता से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में हिंडोली के मुकदमा संख्या 23/21 और 501/2020 इन दोनों प्रकरणों में मोटरसाइकिल वांछित होने पर जब्त की गई। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के तकनीकी साक्ष्यों का समावेश करते हुए डिटेल से अनुसंधान किया गया और उस अनुसंधान के बाद में इस वाहन चोर गिरोह के चारों सदस्यों से कुल 16 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस पूरी की पूरी कार्रवाई में हिंडोली थाना अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा और जिला विशेष टीम के प्रभारी अधिकारी श्री शिवराज सिंह जी SI का विशेष रूप से योगदान रहा है और चोरों से अनुसंधान जारी है। आज न्यायालय में पेश करके जो साथी चोर है इनका PC लिया जाएगा। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? साथी चोर को न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद PC लेंगे और भी खुलासे होने की संभावना है।